वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में बना पॉलिनेटर पार्क। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 4 एकड़ भूमि में पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन जीवों को संरक्षित करना है जो प्रकृति में परागण काम करते हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है, जिसमें वनस्पतियों की वो प्रजातियां लगाई गई हैं जो तितली, कीट, पतंगों, मधुमक्खियों और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे दो तरह से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा। अलग अलग किस्म के फूलों की प्रजातियां जहां तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वहीं मीठी नीम, शहतूत आदि फलदार पौधे चिड़ियों को अपनी ओर लुभाएंगे। इस पार्क में जैव विविधता को बैलेंस करने के लिए तितलियों को और उन पक्षियों के लिए संरक्षित करने का काम किया जा रहा है जो कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। देखिए, ये अपने तरह का ये पहला एक पॉलिनेटर पार्क बना है हमारे यहाँ देश में। पश्चिमी देशों में इस पर पहले से काफ़ी काम होता रहा है और पॉलिनेटर्स के ऊपर ही हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है। हमारी सारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे कि कीटनाशकों के प्रयोग, रसायनों के प्रयोग और तरह तरह के प्रदूषण से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है और इसमें कई जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं हमारी जो देशी प्रजातियां थीं। तो इस पॉलिनेटर पार्क का उद्देश्य यह है कि इन प्रजातियों को संरक्षित किया जाए यहाँ पे और हम जनता को इनके बारे में बता सकें कि इनका क्या महत्व है और किस तरह से जनता जो है इसको अपने आसपास के क्षेत्रों में इनको बचा सकती है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो है हम भविष्य में ये चाहते हैं कि पॉलिनेटर्स के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जो है एक रिसर्च को हम प्रमोट कर सकें कि किन किन प्रजातियों पर कौन कौन से पॉलिनेटर उपयुक्त होते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग का क्या इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण इत्यादि से इनकी संख्या में किस तरह की कमी आ रही है और एक इनके बारे में एक डेटाबेस जो है हम मेंटेन कर सकें।